सो हाय गाइस, आज की वीडियो पे हम अपने 12 ईयर ओल्ड पीसी में विंडोज 11 को इंस्टॉल करने वाले हैं। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आप भी किसी भी पुराने से पुराने कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज 11 को इंस्टॉल कर सकते हो, चाहे उसमें TPM 2.0 ना हो, सिक्योर बूट ना हो और उसका हार्डवेयर भी विंडोज 11 को सपोर्ट नहीं करता हो, फिर भी आप विंडोज 11 को काफी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। तो हमारे पास एक 12 ईयर ओल्ड पीसी है जिसमें की 4GB रैम लगा हुआ है और हम इसी पीसी में विंडोज 11 को इंस्टॉल करने वाले हैं। यदि मैं चेक नाउ पे क्लिक करके दिखाऊं कि ये पीसी विंडोज 11 को सपोर्ट करती है या नहीं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस पीसी में सिक्योर बूट नहीं है, TPM 2.0 नहीं है, यहाँ तक कि इसका प्रोसेसर भी विंडोज 11 को सपोर्ट नहीं करता है। फिर भी मैंने इस पीसी पे विंडोज 11 को इंस्टॉल किया था और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे काफी अच्छा परफॉर्मेंस था और अपडेट वगैरह भी रेगुलर आ रही थी। तो इसके लिए आपके पास विंडोज 11 का आईसो और एक पेन ड्राइव होना चाहिए। तो सबसे पहले हम विंडोज 11 के आईसो को डाउनलोड करेंगे। इसके लिए आपको अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको सर्च बार पे आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है विंडोज 11 आईसो, उसके बाद इसे सर्च कर देना है। तो पहले नंबर पे आपको यहाँ पे वेबसाइट देखने को मिलेगी डाउनलोड विंडोज 11, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ से आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डाउनलोड विंडोज 11 डिस्क इमेज आईसो, आपको सेलेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको विंडोज 11 मल्टी एडिशन आईसो को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, आपको जो भी लैंग्वेज रखना हो आप रख सकते हो। देन आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी, आपको यहाँ पे 64 बिट डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप 64 बिट डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपकी डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी और आप देख सकते हो मेरी डाउनलोड स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको सॉल पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी जो आईसो है वो 5.4GB की है, जो कि डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगा सकती है। तो आपको यहाँ पे वेट करना है, जैसे आपकी आईसो कम्प्लीट डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद आपने इसे जहाँ पे भी डाउनलोड किया होगा वहाँ पे देखने को मिलेगा। मैंने इसे डेस्कटॉप पे ही डाउनलोड किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी आईसो सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और इस बार आपको नया टैब ओपन करना है और यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है रूफस। तो आपको यहाँ पे रूफस लिख के सर्च कर देना है। पहले नंबर पे आपको वेबसाइट देखने को मिलेगी रूफस क्रिएट बूटेबल ड्राइव, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ से आपको थोड़ा नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन देखने को मिलेगा, उसके नीचे रूफस 4.2 है, आपको उस पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पे क्लिक करोगे तो आपकी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी, आपको इसे कम्प्लीट डाउनलोड होने देना है। उसके बाद आपकी जैसे डाउनलोड कम्प्लीट हो जाएगी तो आप देख सकते हो रूफस भी हमारे डेस्कटॉप पे डाउनलोड हो चुकी है और इस सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये रेडी टू गो सॉफ्टवेयर है। यानी आपको बस इस पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ से यस पे क्लिक करना है और ये सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन हो जाएगी। सॉफ्टवेयर को ओपन होने के बाद आपको अपने पीसी से पेन ड्राइव को कनेक्ट करना है। जैसे आप इसे कनेक्ट कर लोगे तो ये ऑटोमेटिक स्कैन कर लेती है और आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी 32GB की पेन ड्राइव आ चुकी है। उसके बाद आपको सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको आईसो को सिलेक्ट कर लेना है, आपने जहाँ पे भी डाउनलोड किया होगा। देन आपको ओपन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओपन पे क्लिक करोगे तो आपकी आईसो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट आना है पार्टीशन स्कीम पे। पार्टीशन स्कीम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, GPT और MBR। यदि आपकी पार्टीशन स्कीम GPT है तो आपको यहाँ पे GPT सिलेक्ट करना है, यदि आपका पार्टीशन स्कीम MBR है तो आपको यहाँ पे MBR को सिलेक्ट करना है। लेकिन मैक्सिमम ऑल्ट पीसी की MBR ही होती है, इसलिए आपको यहाँ पे MBR सिलेक्ट करना है। और आप इसे इंटरनेट से भी पता कर सकते हो, इंटरनेट पे आपको बहुत सारे मेथड मिल जाएंगे इसको पता करने के। तो मेरी पार्टीशन स्कीम यहाँ पे MBR है, इसलिए मैंने MBR को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ से आपको सेकंड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है एड फिक्सेस फॉर ऑल्ट बायोस, इसको आपको टिक कर लेना है। इससे छोटी मोटी जो एरर आती है वो ऑटोमेटिक फिक्स हो जाती है इंस्टॉल करते टाइम। उसके बाद आपको सिंपली स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, आपको कोई भी छेड़छाड़ यहाँ पे नहीं करना है, सब कुछ वैसे रहने देना है, आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाते हैं जिसे आपको टिक करना होता है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आप देख सकते हो रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर 4GB रैम सिक्योर बूट एंड TPM 2.0, तो इस ऑप्शन को आपको टिक कर लेना है क्योंकि हमारी पीसी अनसपोर्टेड है। और बाकी सारे ऑप्शन को आपको यहाँ पे टिक कर लेना है, इसके बहुत फायदे हैं, आपका इंस्टॉलेशन टाइम काफी कम हो जाता है और आप जल्दी से इंस्टॉल कर पाते हो। तो आपको सारे ऑप्शन को यहाँ पे टिक कर लेना है। देन आपको यूजर नेम पे आना और यहाँ पे आपको अपना नाम रख देना, जो भी आप अपने पीसी का नाम रखना चाहते हो। मैंने यहाँ से चैनल का ही नाम रख दिया। देन आपको यहाँ पे जो ओके का बटन दिख रहा है ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे वार्निंग आ जाती है कि आपके पेन ड्राइव पे जो भी डाटा है वो डिलीट हो जाएगी। यदि आपके पेन ड्राइव पे इंपॉर्टेंट डाटा है तो आप बैकअप बना के रख सकते हो। देन आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करोगे तो आपकी पेन ड्राइव फॉर्मेट होती है, देन यहाँ पे आईसो कॉपी होता है और ये पूरा स्टेप होने में थोड़ा टाइम लगा सकता है, तो आपको यहाँ पे वेट करना है। जैसे यहाँ पे रेडी लिखा हुआ आ जाता है आपकी पेन ड्राइव सक्सेसफुली बन जाएगी। देन आपको इस पेज को क्लोज कर लेना है, आपको क्लोज पे क्लिक करना है और आपकी पेन ड्राइव सक्सेसफुली बन चुकी है और आप इस पेन ड्राइव को लगा के किसी भी पीसी में विंडोज 11 को इंस्टॉल कर सकते हो। फिलहाल हम इसी पीसी पे इंस्टॉल करेंगे, इसलिए हम इसे रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से रीस्टार्ट पे क्लिक करता हूँ और जैसे मैंने रीस्टार्ट पे क्लिक किया हमारी पीसी यहाँ पे रीस्टार्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। और रीस्टार्ट होने के बाद जैसे पावर ऑन होगी तो आपको बूट मेन्यू पे जाना होगा, तो इसके लिए आपको बूट की पता होनी चाहिए। आपको डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिल जाएगी जहाँ से जाके आप बूट की पता कर सकते हो। तो जैसे आपकी पीसी दोबारा ऑन होती है और आपके ब्रांड का लोगो आता है तो आपको यहाँ पे अपने बूट की को फास्टली 3
से चार बार प्रेस करना है। देन आप आ जाओगे बूट मेन्यू पे, बूट मेन्यू पे आपको अपना पेन ड्राइव सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ से इंटर प्रेस करना है। जैसे आप इंटर प्रेस करोगे यहाँ पे आपको कोई भी की प्रेस करना है। उसके बाद आपके सामने विंडोज 11 की लोगो आती है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। देन आपके सामने इंस्टॉलेशन का जो मेन विंडो है वो आ जाती है। यहाँ पे बेसिक लैंग्वेज वगैरह पूछा जाता है, आपको कोई लैंग्वेज रखना है तो आप रख सकते हो। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे यदि आपके पास प्रोडक्ट की है तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट की इंटर करना है। यदि आपके पास नहीं है तो आपको आई डोंट हैव प्रोडक्ट की पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने विंडोज का वर्जन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप विंडोज 11 के जिस भी वर्जन को इंस्टॉल करना चाहते हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल हम विंडोज 11 प्रो को इंस्टॉल करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ से विंडोज 11 प्रो को सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने इसकी टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती है, आपको इसे टिक करके एक्सेप्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाती है, अपग्रेड और कस्टम इंस्टॉल। तो आपको यहाँ पे कस्टम इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पार्टीशन सेलेक्ट करने को बोला जाएगा। तो आप अपनी जिस भी डिस्क पे विंडोज को इंस्टॉल करना चाहते हो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे पार्टीशन 4 पे इंस्टॉल करेंगे, इसलिए मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आईएसओ फाइल जो होती है वो आपकी कॉपी होती है। उसके बाद वो फाइल रेडी होती है इंस्टॉलेशन के लिए। देन यहाँ पे फीचर एंड अपडेट इंस्टॉल होता है, उसके बाद फिनिशअप होती है। तो ये पूरा प्रोसेस होने में आपका टाइम लगा सकता है। जैसे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा चारों स्टेप, उसके बाद आपकी पीसी ऑटोमेटिक 8 सेकंड में रीस्टार्ट होगी। तो आपको यहाँ पे वेट करना है। जैसे आपकी पीसी ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगी उसके बाद आपके सामने विंडोज का लोगो आएगा और यहाँ पे कुछ प्रोसेस चलेगा। तो आपको इस प्रोसेस को पूरा होने देना है। जैसे ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे लिखा आएगा जस्ट अ मोमेंट, आपको थोड़ा वेट करना है। उसके बाद विंडोज का लोगो आएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद वाईफाई कनेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है, लेकिन यहाँ पे आपको आई डोंट हैव इंटरनेट पे क्लिक करना है क्योंकि हम ऑफलाइन सेटअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जस्ट अ मोमेंट लिखा हुआ देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे वेट करना है। देन आपकी विंडोज है वो ओपन हो जाएगी। देन यहाँ पे हाई लिखा हुआ आएगा, उसके बाद ये कुछ प्रोसेस चलती है जिसे आपको पूरा होने देना है। जैसे ये प्रोसेस पूरा हो जाएगी यहाँ पे लिखा आएगा ऑलमोस्ट देयर, उसके बाद आपके पीसी में विंडोज 11 सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ही सारा स्टेप खत्म नहीं हो जाता है, आपको यहाँ पे एक और स्टेप को फॉलो करना होगा जिसमें हम पासवर्ड को सेटअप करेंगे। अगर आप पासवर्ड सेटअप नहीं करोगे तो आगे चल के आपको पासवर्ड रिलेटेड इशू आएगी और आपको फिर से विंडोज इंस्टॉल करना पड़ सकता है, इसलिए इस स्टेप को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो पासवर्ड को सेटअप करने के लिए आपको अपने स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। जैसे आप सेटिंग्स को ओपन कर लोगे आपको यहाँ पे अकाउंट पे आना है। जैसे आप अकाउंट पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको साइन इन ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको पासवर्ड पे क्लिक करना है। जैसे आप पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे पासवर्ड ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पे सिंपली ऐड पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पासवर्ड ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेना है, जो भी पासवर्ड आपको रखना है आप रख सकते हो। मैंने यहाँ से 5 डिजिट का एक पासवर्ड बना लिया है, नीचे आपको वही पासवर्ड कन्फर्म कर देना है। देन आपको पासवर्ड हिंट पे कुछ भी दे देना जो आपको रखना आप रख दो। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करना है। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको लिखाएगा चेंजिंग योर पासवर्ड, आपको थोड़ा वेट करना है। उसके बाद आपकी पासवर्ड सक्सेसफुली सेट हो जाएगी। एंड इस तरह से गाइस आप अपने अनसपोर्टेड पीसी में विंडोज 11 को इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आपको इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।